मॉर्निंग सबको। मैं सुबह सुबह आई हूँ छत पे थोड़ा विटामिन डी लेने के लिए। अभी सुबह सुबह मैं उठी हूँ थोड़ा, कितना बज रहा है आज, तो लेट हो गया उठने में, 9 बजने वाला है। किसके किसके यहाँ बारिश हुई है आज हमको बताना, यहाँ तो बारिश नहीं हुई है, और कहाँ कहाँ बारिश हुई है वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आज का मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा वाला है, अच्छा लग रहा है। देखिए मैं आई तो मेरा भैरव भी छत पे आ गया मेरे साथ, वरना ये नीचे बैठा रहता है। ये देखिए मेरा भैरव बहुत क्यूट है, भागता है, कैमरा देखता है गाइस, बहुत तेज भागता है, नहीं तो वैसे नहीं भागता है। और आप लोग को दिखाते हैं, सब तरफ काम चल रहा है सब तरफ। और कल मैं जब वो शॉर्ट वीडियो बना रही थी तब मैं भूल गई थी वो अपना अपना क्लेचर भूल गई थी। चलिए गाइस मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। एक्सरसाइज करते हैं, देखो वैसे मैं एक्सरसाइज तो करती नहीं हूँ, बट आज करके देखती हूँ। ये फोटो यहाँ रखते थे, गाइस रुकिए आप लोग को एक एक्सरसाइज बताते हैं जिससे कि वैली फैट कम होता है। इस बाल को मेरा इग्नोर करिएगा, जिससे कि आप लोगों का वैली फैट कम होगा। रुकिए मैं बताती हूँ, इसको यहाँ रखते हैं फिर बताते हैं। ये देखिए ये बॉल हो गया, ऐसे थोड़ा सा हटके करिए, ठीक है। फिर पहले तो ऐसे करिए, पूरा ये टर्न करिए, फिर ऐसे बस इसको टर्न करना है और किसी चीज के लिए, कम से कम 50 बार इसको डेली करा करिए, आपका वैली फैट जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और जो आपका कमर है वो शेप में हो जाएगा। और इसका सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे बैठिए, ऐसे फिर ऐसे। मैं बैठी नहीं हूँ गाइस, ये देखिए बस मैं सपोर्ट ही हूँ। अभी मैं स्टार्टिंग की हूँ तो इसलिए वजह से ज़्यादा होता नहीं, बट ये अलग होता है। गाइस ये कमी थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। मैं गाइस ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती क्योंकि मैं थक जाती हूँ, मेरे पास स्टैमिना नहीं है एक्सरसाइज करने का, इसलिए मैं थक जाती हूँ। फिर थोड़ा रुक रुक के वो करते हैं, इसीलिए मेरा टमी गोलू सा हो गया है। गाइस बट डेली एक्सरसाइज आप लोग किया करिए क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा जैसे दिला लें, ये पूरा
इतना दूरी लीजिए, वन हैंड डिस्टेंस दिया करिए। क्योंकि तभी ये पूरा घूम पाएगा, अदरवाइज नहीं घूम पाएगा। हो गया गाइस, मैं थक गई, अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँ, थक गए। अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, फ्रेश होने के बाद और चाय पीने के बाद देखते हैं फिर इसके आगे कौन सा काम है। ठीक है गाइस, बाय गाइस। तो मैं खाने जा रहा हूँ, ये क्या है आप लोग देख लीजिए, इसको बाद में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। मिलते हैं इसको खाने के बाद। गाइस तो ये है गोलगप्पा, इसको कहीं कहीं पानी पूरी भी बोला जाता है, आप लोग क्या क्या बोला जाता है इसको कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको पानी पूरी, गोलगप्पा सब कुछ बोला जाता है। आप क्या क्या बोला जाता है और किसको किसको ये पानी पूरी पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हम लोग खाने जा रहे हैं पानी बता से, खा के मिलते हैं आपको पानी बता से। ये है इस बतासा, इसमें भरते हैं इसका मसाला, फिर इसमें डालते हैं प्याज, फिर इसमें डालते हैं इसका टेस्टी वाला पानी, फिर कहते हैं लो। यम्मी, बहुत टेस्टी है। मिलते हैं इसको खाने के बाद, आप लोग खुलाना चाह रहा है तो बताइएगा। खाने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस किसको किसको लाला चाह रहा है आप लोग हमें बता सकते हैं। गाइस तो पानी बतासा खा लिया, पानी बतासा बहुत टेस्टी था, बहुत तीखा भी था। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा सो जाएं, सोने के बाद उठें, फिर कोई कार्य हो तो उसको करें। गाइस तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और किस किस को पानी बतासा पसंद है, मतलब पसंद है किस किस का पानी बतासा फेवरेट है वो हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस तो मैं सो गई थी, मैं सो के उठी हूँ, तब क्या कर सकते हैं, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।